आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन सुलेमानी कढ़ाई की रेसिपी। आप मटन में, चिकन में, बीफ में, इट्स टोटली अप टू यू, जिसमें भी बना सकते हैं बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है। और एक दफ़ा ये रेसिपी जो खाएगा वो आपसे डिमांड ज़रूर करेगा। खैर आए रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक किलो से तकरीबन एक किलो ही मेरे पास मटन था, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो के, मतलब प्रॉपर वॉश करके पानी में डाल के, जिसमें मैंने नमक हसबे ज़ायका लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच लिया है, क्योंकि गोश हमारा 1 किलो है। या अगर गोश आपके पास कम है तो आप लहसुन अदरक की क्वांटिटी आगे पीछे कर सकते हैं। और 6 से 7 आदद मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जिसको 20 से कट किया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मैं पकने के लिए रखूँगी जब तक हमारा गोश्त भी गल जाएगा और जब तक हमारा ये गोश्त का पानी जो है वो सूख भी जाएगा। और इतना ही पानी आपको रखना है कि जिसमें इस पानी में ही गोश्त भी गल जाए और पानी खुश्क भी हो जाए, ना एक्स्ट्रा पानी डालने की नीड हो, ना मतलब पानी बहुत ड्राई ड्राई सा हो जाए, खुश्क हो जाए। तो मैंने 6 से 7 अदद ये हरी मिर्चें ले ली हैं, क्योंकि आगे जाके ग्रीन चिली, रेड चिली कुछ भी नहीं इसमें डलेगी, पेस्ट वगैरह, ये बस इसी से जो ग्रीन मिर्चें डली हैं इसी से तेज़ी आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे 5 से 10 मिनट के बाद बॉयल आया है, फिर मैंने इसे ढक के पका दिया है, पकने रखा है। 1 से 1.5 घंटा ये ऑलमोस्ट हमारा गला है, अच्छी तरीके से गलना है, देन इसको ही डन हो जाएगा ये। अच्छा जी, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के गलने के बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच घी लिया है। आप घी अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया है और उसके बाद इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की है, क्योंकि तब मैंने जब पानी डाला था तब मैंने इसमें कोई घी ऑयल नहीं डाला था। अच्छा जी, यहाँ पे स्पाइस क्या जाएंगे, सिंपल से हैं, ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च, 7 से 8 हरी मिर्चें, नमक हसबे ज़ायका और भुना कुटा ज़ीरा, जिसको मैंने तवे पे भुना था अच्छी तरीके से और उसको इमाम दस्ती में कूट लिया था, ग्राइंडर वगैरह कुछ नहीं किया था। आप थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लीजिए ताकि मुंह में भी आए। अच्छा, यहाँ पर 1 कप जो है भर के दही भी जाएगी, टमाटर वगैरह इसमें कुछ नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब आपको इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, और जो थोड़ा सा जो दही की प्याली में पानी होता है उसी को आप, कोई भी चीज़ वेस्ट करने से बेहतर है जो दही है थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा जो है ये वो भी पानी इसमें ऐड कर दें। इस तरह हमारी कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं जा होगी और अल्लाह भी नाराज़ नहीं होगा। खैर, एंड में आपने इसको 1/2 से 1 नींबू इस पर अच्छी तरीके से निचोड़ देना है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक से इसे गार्निश करें, दैट्स इट। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली लजीज सी सुलेमानी मटन कढ़ाई रेडी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ 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 फुल वॉच किया करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, आप लोग प्लीज़ इसे फुल वॉच किया करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।